नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी लाउड न्यूज। एक खबर निकलकर आ रही है कि जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम के दौरान भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कह डाला, शीर्ष नेतृत्व है कमजोर, जिस वजह से पार्टी की है ऐसी स्थिति। भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने शहीद भवन में जय भारत सत्याग्रह का कार्यक्रम आयोजित किया था। जिला अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह ने अपने संबोधन में किसानों की बात कर रहे थे कि अचानक कहने लगे कि पहले कांग्रेस किसानों की बातें सुनने वाली पार्टी थी, पर अब शीर्ष के नेता कुछ बोलते ही नहीं है। पार्टी की खस्ता हालत के जिम्मेदार वही लोग हैं। त्रिवेणी सिंह कांग्रेस अध्यक्ष भोजपुर जिला। वहीं जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में शिरकत करने आई कांग्रेस नेत्री सह बिहार प्रदेश पूर्व सचिव रीता सिंह भोजपुर अध्यक्ष त्रिवेणी सिंह का बचाव करती नजर आई। अगर उनकी माने तो जुबान फिसलने की वजह से ऐसा शब्द निकल गया। वहीं जय भारत सत्याग्रह कार्यक्रम में केंद्र की सरकार की गलत नीतियों और मनमानी को लोगों के सामने रखने का काम किया। रीता ने कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार के खिलाफ में बोलने की हिम्मत करता है तो उसे किसी मामले में फंसा दिया जा रहा है। राहुल गांधी के सरकारी आवास को खाली करने के मामले पर बोली कि राहुल गांधी को किसी घर या सांस्कृति की आवश्यकता नहीं है, वो तो समाज के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। और लोकतंत्र की रक्षा करते कहते हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के कितने नेताओं ने अपने प्राण तक त्याग दिए, चाहे वो महात्मा गांधी हो, श्रीमती पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी जी हो, सबने अपने प्राणों का निछावर किया है। इस लोकतंत्र के, इस देश में सामाजिक समरसता बनी रहे इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मुझे गर्व होता है कि मैं उस पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ जिस पार्टी के नेताओं ने इस देश को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप सबको पता है कि किस तरह से 2014 में झूठ बोलकर देश की सरकार बनी, कि सबको, सबके भ्रष्टाचार खत्म होगा, सबके खाता में विदेश से धन आएगा और 15-15 लाख रुपया आएगा और दो करोड़ युवाओं की प्रति वर्ष नौकरी लगेगी। लेकिन आज 8 वर्ष हो गए, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से देश में सारी CBI ED सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है, वह आप देख रहे हैं किस तरह से पुलवामा का अटैक पर जब सत्यपाल मलिक जी का बयान आता है तो आज आपने पेपर पढ़ा होगा तो उन पर भी CBI बैठा दिया गया। शर्म आनी चाहिए जो अपने आप को बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, सबसे बड़ा देशद्रोही निकले। अपने स्वार्थ में उन्होंने 40 जवानों की हत्या कर दी और इस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कल तक आप हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौन मंत्री बोल रहे हैं और आज जब इतनी बड़ी बात हुई और सत्यपाल मलिक जी कोई आम इंसान नहीं थे, उस समय जम्मू कश्मीर के वे राज्यपाल थे, वैसे लोग बातों को गंभीरता से लेते हुए अगर आपको लगता है कि इतने दिनों के बाद क्यों बोले तो आपको इसमें बैठक करनी चाहिए थी, लेकिन आपने कुछ नहीं करके सीधे आपने उन पर CBI लगा दिया। तो यही तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उन सबको बचाने की हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर हम लोग संविधान की रक्षा नहीं करेंगे तो न तो न्यायालय का महत्व रह जाएगा और न ही कोर्ट और न ही किसी वकील की आवश्यकता रह जाएगी। आज भोजपुर के पैक्स अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष आरवा उसरा में फंसे हुए हैं, किसान फंसे हुए हैं, हमारे पैक्स सोसाइटियां बर्बाद होती जा रही है। लगता है आने वाले समय में जो राज्य सरकार की रवैया रही है उसना आरवा के चलते हमको लगता है कि सारी सोसाइटियां उभरी हो गई। मैं इस मंच के माध्यम से भी या राज्य सरकार के मुखिया से मांग करूंगा, हम अब ठीक है, हम राज्य सरकार में पार्टनर हैं लेकिन बहुत कमजोर पार्टनर है, हमारा नेतृत्व भी दूंगा बोल नहीं पाता है
और यहाँ किसान और पैक्स के अध्यक्ष पैक्स सोसाइटियां बर्बाद होते जा रहे हैं। तो मैं बिहार के मुखिया से मांग करता हूँ कि अभिलंब सर्वा उसना पर इस मंच के माध्यम से कि इस पर विचार कर इसमें जो त्रुटि है उसका निदान करें, अन्यथा सोसाइटियां बर्बाद हो जाएगी। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज सिटी लाउड न्यूज़ को फॉलो करें। धन्यवाद।